मस्जिद के खूबसूरत से ये जो मीनार बने हुए हैं ना, मस्जिद नबवी की याद आ जाती है। हर समय बुद्ध को यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और इबादत करते हैं। बुद्ध का जो है बेटे के साथ क्या ताल्लुक है? इलेक्ट्रॉनिक जो है डोनेशन वो मशीन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑन काजमी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव ऑन काजमी ऑफिशियल। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स खैर ऑफियत से होंगे। जो व्यूअर्स, तो हम तहरान से खैर ऑफियत से निकले थे, अभी पहुंच चुके हैं कुंभ के करीब। एक शहर है जमकरान, जमकरान में मेरे बिल्कुल पीछे आपको मस्जिद जमकरान नज़र आ रही होगी। आपने बिल्कुल सुना भी होगा मस्जिद जमकरान के बारे में। इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि हम सुबह के सफ़र पर निकले। तो ये बिल्कुल सामने मस्जिद जमकरान है और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू मस्जिद जमकरान का। हम अभी गाड़ियों से उतरे हैं, ये देखें हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ ऐसे हैं, यकीन करें जैसे पाकिस्तान में पता नहीं क्या चिंग ची रक्षे खड़े होते हैं, ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हैं। सफाई और बिल्कुल ये सारी मस्जिद मस्जिद जा रही है। ये है जी ईरान, ये है जी खुदगर्ज कौम, ये है जी गैरतमंद कौम, इसे कहते हैं गैरतमंद कौम, जिन्होंने अपनी मैनुफैक्चर जितनी भी गाड़ियाँ आपको खड़ी हैं सब इनकी मेड इन ईरान है। कोई बाहर से इम्पोर्टेड गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद, खूबसूरत जगहें, इतना खूबसूरत मुल्क, यार दिल खुश हो जाता है जब ईरान में दाखिल होते हैं तो कोई यूरोप में आ गए हम। मतलब उन्होंने इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं अपने शहरियों को, अपने मुल्क वालों को, अपने मतलब सिटीजन को, कि हम सोच ही नहीं सकते भाई, हम आने वाले 100 साल में भी नहीं दे सकते। ये सामने बिल्कुल ये चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट से हम जैसे ही बिल्कुल अंदर एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पर जो है ये वाशरूम्स हैं, अगर किसी ने वजू वगैरह करना हो तो मिलेंगे। बिल्कुल सामने जो है मस्जिद जमकरान के आपको जो है गुंबद और मीनार नज़र आ रहा होगा। ये मस्जिद जमकरान है जो कि इमाम ज़माना इस्लाम से मंसूब है, कि इमाम ज़माना हर शब बुध को यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और इबादत करते हैं उनके नाम से। तो मैं अभी वजू करके निकला हूँ और मैं इस टाइम जो है एलिवेटर पर मौजूद हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि एलिवेटर का लिफ्ट के साथ क्या, सॉरी वजू का जो है एलिवेटर के साथ क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है। आप ये देखें कि जवार है वो अब्दुल्ला हुसैन की किस तरह खिदमत की जाती है। ये देखिए लिफ्ट लगी गई है सिर्फ वाशरूम के ऊपर। मैं किसी सिटी मॉल के अंदर नहीं हूँ, मैं किसी जो है किसी बड़े मॉल के अंदर, किसी प्लाजे के अंदर नहीं हूँ, किसी मैं बड़े हुकूमती अहदेदार के दफ्तर में नहीं हूँ। जी बिल्कुल, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर आप और मेरे जैसे गरीब आवाम आते हैं, गरीब लोग आते हैं। किसके लिए आते हैं? जो कोई ज़्यारत है बाब अब्दुल्ला अल हुसैन के लिए जाते हैं, उनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ का इंतजाम किया गया है। कहीं दुनिया में भी इस तरह की फैसिलिटी वाशरूम के लिए यार नीचे जा रहे हैं, कौन लिफ्ट रहता है? लिफ्ट लगाई गई हैं। तो ये देखें, ये मोहब्बत अहले बैत है, ये जो है ना मोहब्बत अहले बैत का पैगाम है, ये रिस्पेक्ट है बाज़ाहिर है बाब अब्दुल्ला अल हुसैन की। अब आप ये चीज़ देखें, इससे बड़ी जो है मैं आपको ऐसी कई मिसालें भरी पड़ी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एलिवेटर लिफ्ट लगाई गई हैं, जो व्हीलचेयर पर आना जाना चाहें वो व्हीलचेयर पर आ जा सकते हैं। अभी हम चलते हैं मस्जिद की तरफ और अपनी ज़ियारत करते हैं। और अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अज़म, अस्सलाम वालेकुम या जिल्ली वलीकुल फजर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा कुल वलीकल हुज्जत इब्न हसन सलावातुका अलैहि व अला वाई फी हाज़िहिस साअत व फी कुल साअत मिन साअति लैलि वन नहार वलियन व हाफिज़ व क़ायदन व नासिरन व दलीलन व ऐन हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु व नुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी मोमिनीन कराम, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मस्जिद जमकरान के अंदर और ये खूबसूरत मनाज़िर मैं लाइव आप लोगों को इस टाइम मस्जिद जमकरान से दिखा रहा हूँ, जो कि कुंभ से तकरीबन 10 to 15 minutes की ड्राइव के ऊपर है। अगर आप गाड़ी टैक्सी लेकर आएँ तो वो आपसे मेरे ख्याल में 15,000 तुमान जो है, जो यहाँ के रियाल भी कहते हैं, तुमान भी कहते हैं, चार्ज करेगी। ये खूबसूरत मस्जिद आप देख सकते हैं इस टाइम, बिल्कुल मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? माशाल्लाह, इस मस्जिद में आकर ईमान जो है ना इस हद तक तकदीर तक पहुँचा, और ये भी देखकर हैरान कि इन लोगों ने मस्जिद को इस तरह बना दिया है कि जो है ना रूहानी तौर पर इंसान मजबूत होता है और दिल करता है। जी बिल्कुल, इस जगह को छोड़ा ही नहीं जाए। बिल्कुल जी, हम इस टाइम मस्जिद जमकरान के अंदर मौजूद हैं। ये मस्जिद जो है दूसरी सदी में जो है बनाई गई थी, खताब असदी जो है उन्होंने आकर ये मस्जिद बनाई थी कूफा से जब हिजरत करके यहाँ पर आए थे। जमकरान जो है कुंभ के नज़दीक एक छोटे से देहात का नाम है, उस टाइम छोटा सा कस्बा था, तो उन्होंने यहाँ पर आकर यह मस्जिद बनाई थी। ये जमकरान इस एरिए का नाम कहलाता था, तो ये फिर मस्जिद इमाम ज़माना इस्लाम के नाम से मंसूब हुई और इमाम ज़माना यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। जैसे कि पहले डॉक्टर साहब तो आज जी, तो आज पाकिस्तानी को भी एक बहुत बड़ी तादाद इस खूबसूरत मस्जिद में मैं देख रहा हूँ।
काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। कुछ लोग इराक ज़रात पर जा रहे हैं, कुछ लोग अरबईन हुसैनी चल हमें इमाम हुसैन करके वापस आ रहे हैं, और ईरान इराक ज़रात के लिए जो ट्रैवल एजेंट है, जो ट्रैवल एजेंसी जो बाएतमाद इतार है ज़रात पर लेकर आता है, उसका नंबर लिंक और मैं उसका एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ईरान इराक ज़रात के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं इनके, और अपने नाम ज़रूर कमेंट्स में कीजिए ताकि मैं इन नेक जगहों पर, ताकि मैं इन होली श्राइन के ऊपर, ताकि इन जगहों के ऊपर मैं आप लोगों के नाम लेकर दुआएं कर सकूं। इतनी खूबसूरत ज़ियारत मैं वो करा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे दुआ देंगे। इतनी खूबसूरत ज़ियारत आप लोग कर रहे हैं, इस वीडियो को आगे दूसरे मोमिनीन तक शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप आगे शेयर करें ताकि बाकी मोमिनीन भी यह खूबसूरत मस्जिद, इस खूबसूरत मकाम की ज़ियारत कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, आपको पूरी मस्जिद का जो है मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये पाकिस्तानी ज़ायरीन भी हमारे मौजूद हैं व्यूवर्स। इसके अलावा ये इस खूबसूरत मस्जिद के मनाजिर, इबादत, हर बंदा अपनी इबादत में मशगूल है, किसी को किसी का नहीं है कौन है कौन है, कौन कैसी इबादत कर रहा है, हर बंदा अपनी इबादत कर रहा है। ये देखें जी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं व्यूवर्स, ये देखें जी अंदर से कितना ही खूबसूरत जो इसका गुंबद है, किस तरह से ओह अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह, इस मस्जिद का जो गुंबद है वो बनाया गया है। ये देखिए इतने ही खूबसूरत तरीके से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और जी व्यूवर्स, तो ये जो है यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो है डोनेशन डाल रहे हैं, डोनेशन बॉक्स है। इससे मैंने यहाँ जो चीज़ देखी ना मज़े की, वो ये है कि ये देखें मस्जिद जमकरान के हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक जो है डोनेशन वो इनका बना हुआ है जो मशीन है। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं अपना, यहाँ क्रेडिट कार्ड जो स्विप करें और यहाँ पर आप लोग जो है अपने डोनेशन दे सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आप डोनेशन किस सिलसिले के लिए दे रहे हैं। ये देखें भाई ने डोनेशन दी, इनका यहाँ पर आ गई आपकी डोनेशन हो गई और यहाँ पर रसीद आ गई। ये देखिए आप नजर आम के देना चाहते हैं, मस्जिद के लिए देना चाहते हैं, कुर्बानी है, नजर कुरूर है या मुकब है, किस चीज़ के लिए आप डोनेशन देना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मुझे जो कि पसंद आई है यहाँ पर, बल्कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी जो है डोनेशन मशीन होनी चाहिए। ये जो मीनार बने हुए हैं ना, आप यकीन कीजिए इस तरफ से देख कर मस्जिद नबवी की याद आ जाती है। बुलाया हम भी जाकर रोज़ रसूल खाना खुदा की जो है खुदा के घर की इज़्ज़त करें। और ये देख रहे हैं ये मीदार बिल्कुल मिलते जुलते हैं मस्जिद नबवी से। मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, गला भी साथ नहीं दे रहा, आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। इसी के साथ मैं कभी मज़ीद वीडियो बनाने मेरा था कि मैं कुंभ में जो है लास्ट में आपको बीबी सलाम लेकर हरम दिखाऊँ और एंड करूँ, बिल्कुल अब इस टाइम मेरा एंड हो चुका है। और एक इमरान शाह जी भी वेट कर रहे हैं गाड़ी में, तो मैं भी चलता हूँ जाके जो है, हमने अभी अपने टिकट वगैरह बुक करनी है, वो सारा कुछ करते हैं और लेट्स सी चलते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और ताकि फिर मैं आपको जो ईरान से मशहद कुम से मशहद का ट्रैवल है वो पूरा दिखाऊंगा हम कैसे करते हैं जो भी होगा। तो आप लोग भी हैं ताकि आप ये वीडियोस बनाने का मकसद ये भी होगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें और अपने चैनल का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आगे। ये मान लें अल्तमासुद अल्लाह हाफिज़।